खरगोन जिले के बलकवाड़ा थाना क्षेत्र में करीब 3 दिन पहले एक बुजुर्ग की गला घोट कर हत्या के मामले में पुलिस ने पुत्रवधू, नाबालिग बेटे और एक अन्य युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या प्रेम प्रसंग के चलते घटित करना बताई जा रही है। अपनी विधवा बहू को गांव के ही एक युवक से मिलने से टोकने और पोते को गाली गलौज करने से नाराज होकर प्रेमी महिला और नाबालिग पोते पर हत्या करने का आरोप लगा है। घटना के बाद से तीनों फरार थे। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार ग्राम दखानीपुरा में नरसिंह पिता मक्तिया 65 वर्ष का शव उसके ही घर में खटिया पर पड़ा मिला था। मृतक के गले में निशान होने से प्रथम दृष्टया हत्या से जुड़ा मामला प्रतीत होने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। इस मामले में पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मृतक की बहू सुरलीबाई पति स्वर्गीय हीरालाल एवं रतन पिता भग्गू नरगावे के बीच अवैध संबंध की जानकारी मिली। मिलकर मारपीट की झूमा झटकी में नरसिंह खटिया पर गिर गया। इसके बाद सुरलीबाई ने नरसिंह के पैर पकड़े एवं बेटे के हाथ पकड़े। रतन ने एक वायर से गला घोट कर जान ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। सर, बलकवाड़ा थाना क्षेत्र में हत्या का कोई मामला हुआ है क्या, कुछ जानकारी? 28 तारीख को दखनीपुर गांव है, बलकवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत, उसका एक खालिया है नरगावेपुरा। वहाँ पे नरसिंह नाम का व्यक्ति 63 साल का है, जो बुजुर्ग है, उसकी हत्या के संबंध में रिपोर्ट आई थी। हमने पूरी टीम के साथ में वहाँ पे तहकीकात की। तो तहकीकात करने के बाद प्रत्येक बिंदुओं पे हमने बड़ी बारीकी से तहकीकात की, तो एक दिलचस्प कहानी उभर के आई कि उसकी हत्या के पीछे अब उसकी स्वयं की बहू और उसके प्रेमिका और एक विधि विरुद्ध बालक था, तीनों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी। हत्या की साजिश रचने के पीछे बहू का अवैध संबंध था, जिसे जो मृतक है वो उस चीज़ को बार बार उस चीज़ को लेकर उन्हें टोकता था, रोकता था और उसका विरोध करता था। इस वजह से, इस रंजिश की वजह से कि ये व्यक्ति हर बार हमें बीच में आता है, इसलिए उन्होंने उसका वायर से गला घोट कर हत्या कर दी। क्या नाम सर आपका? TI बलकवाड़ा रामेश्वर ठाकुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।